जी आज आज इस फिल्म का मुहूर्त हुआ है। इस फिल्म का टाइटल है एक रजाई तीन लुगाई, और इस फिल्म की खास बात यह है कि इस फिल्म को जो बना रही हैं जो इस फिल्म की प्रोड्यूसर हैं, उनको ना भोजपुरी बोलने आता है और ना उनको भोजपुरी फिल्म कभी देखा है, लेकिन भोजपुरी का बढ़ता क्रेज, भोजपुरी में बहुत सारे नए नए प्रोड्यूसर प्रियंका चोपड़ा जी हों या बहुत सारे और लोग आ रहे हैं, इस वजह से मुझे लगता है कि एकता बैल ठुकराल जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर है, उन्होंने भोजपुरी बनाने का निर्णय लिया, और मैं उनका और मंजुल ठाकुर जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस फिल्म में मुझे बतौर मुख्य खलनायक चुना है। इस फिल्म की कहानी ऐसी है कि अभी तक आपने देखा होगा कि एक हीरो दो पत्नियों से या दो गर्लफ्रेंड से फ्लर्ट करता था, लेकिन ये एक कॉमेडी से भरपूर फिल्म है। इसमें तीन हीरोइन हैं और अंत में जीत किसकी होती है? क्या वन पीस पहनने वालों की जीत होती है, सलवार सूट वाली है, एक साड़ी वाली है, किसकी जीत होती है, ये दर्शकों को देखने को मिलेगा। बहुत मज़ेदार फिल्म है। इस फिल्म के डायरेक्टर श्री मंजुल ठाकुर जी हैं, जिन्होंने लगातार बहुत सारी हिट फिल्में दी हैं, और भोजपुरी में मुझे ऐसा लगता है कि मंजुल ठाकुर जी जो फिल्म बनाते हैं वो पूरी फिल्म दर्शकों के लिए होती है, और ये फिल्म बहुत अच्छी है, बहुत मज़ा आएगा। देखिए अभी आज इस फिल्म का मुहूर्त है जो कि गाने से हो रहा है, मैं इस फिल्म में विलेन हूँ, और पूरी स्क्रिप्ट मेरे सामने आई नहीं है। मंजू ठाकुर जी पे पूरा विश्वास है कि वो हमेशा विलेन का किरदार बहुत स्ट्रांग रखते हैं, और मेरे लिए बहुत कुछ होगा, मुझे यही उम्मीद है। थैंक यू वेरी मच। ये मेरी दोस्त है जिन्होंने भोजपुरी जो ये भोजपुरी फिल्म बना रही है, और मैं भोजपुरी दर्शक से, भोजपुरी सिनेमा जगत के तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि इनका पूरा सहयोग करें, क्योंकि एक नॉन भोजपुरी लड़की, एक पंजाबी लड़की हमारी भोजपुरी फिल्म भोजपुरी इंडस्ट्री में आई है अच्छे मन से, अच्छे दिल से, और ये अच्छी फिल्म है। ये टाइटल भरे इसका आपको ऐसा लगता है कि डबल मीनिंग है, लेकिन फिल्म पारिवारिक ही होगी, ये इसका मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ। और मैं अपने दोस्त एकता ठुकराल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इनकी फिल्म हिट हो यही शुभकामना है, आगे बढ़िए। क्या कहना चाहेंगे आपका नाम? एकता बहल ठुकराल। ये कॉमेडी मूवी है जो दर्शक हमारे बहुत पसंद करेंगे, और ये पारिवारिक मूवी होगी, इसको आप पूरा परिवार समेत बैठ के देख सकते हैं। मैं एज ए प्रोड्यूसर। हाँ जी, भोजपुरी आती है, थोड़ी थोड़ी समझ आती है, पर बोलनी नहीं आती। मैं दिल्ली से। हाँ जी, क्योंकि हिंदी के बाद अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री है या कोई बड़ा नाम है तो वो नॉर्थ इंडिया में भोजपुरी ही है, और आज की डेट में भोजपुरी दर्शक पूरे हिंदुस्तान में। मैं ये बोलना चाहता हूँ, अंदर की बात है, कि प्रियंका चोपड़ा की बहुत बड़ी फैन है, क्योंकि प्रियंका जी ने भोजपुरी फिल्म बनाई है, इसलिए मैं भोजपुरी फिल्म बना रही हूँ, क्योंकि प्रियंका मैम ने भोजपुरी इंडस्ट्री में आई है वो, तो मैं उनके नक्शे कदम पे चलना चाहती हूँ, और इसलिए मैं भी भोजपुरी मूवी बना रही हूँ। बहुत बहुत शुभकामना आपको, बहुत आगे बढ़िए, बहुत फिल्में बनाइए, पूरे पूरे भोजपुरिया समाज की तरफ से, पूरे दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत प्यार। सभी पूछ रहे ना कि कहानी सवाल कौन करेगा? क्या कहना चाहेंगे आज मूवी के बारे में? रेडी? जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि आज फिल्म एक रजाई तीन लुगाई अपने आप में एक बड़ा ही मसालेदार कॉन्सेप्ट है, बड़ा फनी सा कॉन्सेप्ट है, टाइटल है जिसको फिर से दोहरावे के पड़ी नो। एकता जी आप भी आ जाइए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज फिल्म एक रजाई तीन लुगाई का मुहूर्त है,
हमारे साथ पंजाब के हमारी प्रोड्यूसर पंजाब से है ना, सॉरी वन मोर, अच्छा वन मोर। हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज फिल्म एक रजाई तीन लुगाई का मुहूर्त है, बड़ा ही शानदार मुहूर्त है, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए हुए हैं और मज़ेदार माहौल है, बड़ा पॉजिटिव माहौल है। तो दिल्ली की हमारी एकता जी हैं जो फिल्म प्रोड्यूस कर रही हैं, ये भोजपुरी की खुश नसीबी कहेंगे कि इनके जैसी डायनामाइक और यंग निर्मात्री आई हैं और फिल्म बना रही हैं। ये भोजपुरी का जो प्यार है आपका भोजपुरी के प्रति, मैं तहे दिल से उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। और सही मायने में इस फिल्म का टाइटल जो है फिल्म को हिट कराने के लिए काफ़ी है। इसके बाद निर्देशक मंजुल ठाकुर जी हैं और जो भी स्टार कास्ट हो, छोटे बाबा का म्यूज़िक आजकल यंग जनरेशन जितने भी हैं सबके सर पे चढ़ के बोल रहा है, मेरी एक फिल्म आ रही है इच्छाधारी, उसमें भी छोटे बाबा का ही म्यूज़िक है। तो इस पूरी टीम के ऊपर अगर एक बार नज़र डालें तो सब लोग बड़े पॉजिटिव लोग हैं और इतनी पॉजिटिव स्माइल के साथ और पॉजिटिव वाइब्स के साथ हमारी एकता जी भी आई हुई हैं। कौन सी फिल्म में? नहीं, मैं तो एक दोस्त हूँ, मैं एक दोस्त के रूप में आया हुआ हूँ। एकता जी का और आशुतोष जी का फ़ोन आया कि भाई आप अगर बॉम्बे में हैं तो आ जाए, तो मैं परसों ही बॉम्बे में आया अपना शूट ख़त्म करके। तो मैंने कहा कि यार कम पहुंचेगी सिनेमाघर तक। नहीं नहीं सर, आज सिनेमा का दौर बदल चुका है, हर आदमी अपनी बीवी से परेशान है, हर लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से परेशान है। तो देखिए, मैंने कहा ना कि हर आदमी अपनी बीवी से परेशान है, हर लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से परेशान है, तो एक रजाई में तीन लुगाई किस तरीके से आ सकती हैं ये देखने के लिए लोग सिनेमाघर में ज़रूर जाएंगे। एक टैलेंट है जो टैलेंट हम रियल में तो निकाल पाते नहीं हैं, तो सिनेमा के माध्यम से ये टैलेंट एक्सेप्ट करना जरूर चाहेंगे, कैच करना चाहेंगे कि भैया आखिर कौन ऐसा बात बा, कौन ऐसा टैलेंट बा, कौन ऐसा हुनर बा जरा के जोना के माध्यम से एक रजाई के अंदर सेम टाइम में तीन गो मेहरारू घुसावल जा सके। लिए सर ये देखे खातिर पब्लिक जरूर आई। ऊपर रहिए गो, दाएँ गो, बाएँ गो, ऊपर। बाबू देखो इतना स्टेमिना वाली बात बटे, जकर अंदर जितना स्टेमिना उतना मेहरारू रख सकल। एक जनी हनुमान चालीसा पढ़ी, एक जनी रामायण, एक जनी महाभारत, तो तीन। आज आप बोल रहे हैं कि इच्छाधारी सिर्फ नाग होता है, तो राजकुमार कोहली की नागिन मल्होत्रा जी की नगीना। नहीं नहीं आपने सुना नहीं शायद, इच्छाधारी की अगर बात करें तो इच्छाधारी नाग और नागिन की बात किया है, दोनों नाग नागिन होते हैं लेकिन मणि सिर्फ नाग के पास होती है जी। तो इच्छाधारी नाग नागिन पावर अगर देखा जाए तो सही मायने में नाग के पास होती है। इच्छाधारी फिल्म देखेंगे, मेरा वादा है कि पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री में अब तक जितनी नाग नागिन की फिल्म बनी है उससे बिल्कुल अलग है, एक डिफरेंट आएगा फिल्म का मज़ा देखने में। जैसे हम लोग सुपरमैन को देखते हैं, स्पाइडरमैन को देखते हैं कि वो एक अलग ही कारनामा कर रहा है तो मज़ा आता है, भोजपुरी पर्दे पर वो यश कुमार करेगा और हमारे दर्शकों को मज़ा आएगा। पहली बात तो मैं मूवी के बारे में एकता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि जो उनके दिमाग में इतने अच्छे विचार आए और इन्होंने जो है हमारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को चूज़ किया, और इनका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूं और इंडस्ट्री में माता रानी से यही मनाती हूं कि इनको बहुत ढेर सारी कामयाबी दें ताकि और भी बहुत सारी मूवी बनाए। और फिल्म के बारे में इनके दिमाग में ये जो टाइटल आया है एक रजाई तीन लुगाई, तो ये जो एक रजाई तीन लुगाई है तो इसका कोई डबल मीनिंग ना निकाले क्योंकि ये सिर्फ एक इंटरटेनमेंट मूवी है, कॉमेडी मूवी है। तो मैं लोगों से यही कहूँगी कि इसको एक सिर्फ कॉमेडी के तौर पे देखें, ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है जिसके कि डायरेक्टर हमारे मंजुल ठाकुर हैं और बहुत ही अच्छा उनका एक्सपीरियंस है और यंग हैं, मूवी बना रहे हैं बहुत ही अच्छा, मतलब उनका डायरेक्शन है। तो मैं पूरी आशा करती हूँ कि मूवी बहुत ही अच्छी होगी और जिस तरह से हमारी अपनी भोजपुरी ऑडियंस है, सिर्फ यही भारत में ही नहीं, हमारी जो ऑडियंस है भोजपुरी की ये बाहर इंडिया के बाहर भी बहुत बड़ी ऑडियंस है हमारी। तो मैं सबसे यही अपील करूँगी कि जब भी ये हमारे एकता जी की ये फिल्म आए सारे लोग इसको दिल से देखें और तहे